नमस्ते। दीप ज्योति क्रिएशन में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बनाएंगे सागो पापड़, यानी कि कसा हुआ पापड़। सामग्री की लिस्ट आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। यहाँ पर मैंने लिया है आधा किलो कसा हुआ, इसे सागो भी कहा जाता है। हम जो खाने में साबूदाना इस्तेमाल करते हैं ना, वो टैपियोका स्टार्च से बनाया जाता है। टैपियोका स्टार्च को बनाने के लिए कासावा नामक कंद का इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों, जो बहुत हद तक शक्करकंद जैसा ही होता है। इसे गूदे को बड़े बड़े बर्तनों में निकालकर 8-10 दिन के लिए रखा जाता है और रोज़ाना इसमें पानी डाला जाता है। इसी प्रक्रिया को 4 से 6 महीने तक बार बार दोहराने के बाद साबूदाना तैयार होता है और ये उसी कासावा पेड़ के रूट्स है दोस्तों। देखिए यहाँ पर मैंने इसका छिलका निकाल लिया है। इस तरह से आप इसके छिलके निकाल लीजिए। छिलके निकालने के बाद इसे पानी में डाल दीजिए। छिलका निकालने का एक आसान तरीका यहाँ पर आप देख सकते हैं। नाइफ से थोड़ा इस तरह से, जैसे वीडियो में दिखाया है उस तरह से निकालने से ईजिली निकल जाता है दोस्तों। इसी तरह सारे कसावा के छिलके मैंने निकाल लिया है, आप वीडियो में देख लीजिए। दोस्तों अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और साथ में बेल आइकॉन भी प्रेस करिए दोस्तों, ताकि हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। देखिए सारे छिलके मैंने निकाल दिए हैं। अब मैं इसे 2-3 बार धो लूँगी। ये पापड़ बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं दोस्तों और साल भर रख कर हम इसे खा सकते हैं, बहुत अच्छा लगता है। ये एक ट्रेडिशनल रेसिपी है दोस्तों, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। 2-3 बार अच्छे से धो लीजिए, 2-3 पानी चेंज कर कर के आपने। देखिए एक बार मैंने धोया है, बहुत स्वादिष्ट लगते हैं दोस्तों ये खाने में और बहुत ही क्रंची करारे लगते हैं। आप एक बार ज़रूर ट्राई करिए, बहुत मेहनत नहीं है, आप 1-2 बार बनाएंगे तो आपको ईजी लग जाएगा। देखिए दूसरी बार मैंने धो लिया है यहाँ पर, अब हम इसे निकाल लेंगे। अब हम इसको थिन स्लाइस कर लेंगे, ज़्यादा मोटा मोटा मत काटिएगा, मिक्सर में डालना है। मिक्सर में थिन थिन स्लाइसेस रहेंगे तो वो अच्छे से आपका बैटर रेडी हो जाएगा, इसलिए मैंने पतला पतला काट लिया है यहाँ पर। देखिए दोस्तों इस तरह से मैंने काट लिया है, यहाँ पर सारे कासावा को मैंने काट लिया है। देखिए ये मैंने आधा किलो लिया है तो इसके लिए मैं 1/2 कप चावल इस्तेमाल कर रही हूँ। ये नॉर्मल सोसाइटी राइस है, इसे मैंने 5 घंटे भिगो लिया है, आप चाहे तो रात भर भी भिगा सकते हैं। अब हम इसे मिक्सी में डाल लेंगे। थोड़ा स्लाइस किया हुआ सागो डालिए और थोड़ा राइस डालिए और स्वादानुसार नमक डालिए। डालकर थोड़ा पानी डालकर आप डोसा बैटर रहता है ना, उसी तरह से स्मूथ बैटर आप बना लीजिए दोस्तों। देखिए इस तरह से मैंने सेम सेकंड बैच में भी सागो डाला है, राइस डाला है और थोड़ा सा नमक और पानी के साथ सेकंड बैच भी मैंने यहाँ पर पीस कर लिया है। देखिए ये रेडी हो गया हमारा। पानी यहाँ पर मैंने गर्म करने के लिए रख दिया है, तकरीबन 2 लीटर पानी है, इसमें मैं एक स्टैंड रख दिया है। पानी गर्म होने के बाद हम इसे स्टीम होने के लिए रख देंगे। डायरेक्ट गैस पर रखने से ये नीचे लग जाता है, अच्छे से कुक नहीं होता, इसलिए पानी में रखकर हमें स्टीम करना चाहिए। देखिए अब हम एक चम्मच के सहायता से या फिर बेलन के सहायता से मिक्स कर लेंगे। देखिए साइड में पक गया है, थोड़ा सा बीच में आटा जैसा रह गया है, ये पूरा पकना चाहिए। थोड़ा हिलाइए फिर क्लोज करके रख दीजिए पूरा पकने तक। देखिए पूरा मिक्स करने के बाद फिर से ढककर मैंने रखा है। देखिए दोस्तों ये सारा पूरा पकने के लिए मुझे 45 से 50 मिनट्स लगे हैं दोस्तों। देखिए ट्रांसपेरेंट ये दिखना चाहिए, तभी ये पूरा पका रहता है। अब वो हो गया है, मैंने गैस का फ्लेम ऑफ कर दिया, कम्प्लीटली ठंडा कर लिया है मैंने यहाँ पर। हाथों को थोड़ा ऑयल लगा कर यहाँ पर मैं गूंद ले रही हूँ थोड़ा सा। देखिए दोस्तों इस तरह से गूंद लीजिए, पापड़ बनाने में आसानी होगी।
यहाँ पर मैंने रोटी मेकर लिया है, एक पॉलीथीन पेपर लिया है मैंने, उसे थोड़ा ऑयल ग्रीस किया है ताकि हमारा पापड़ चिपके नहीं। और एक छोटा सा गोला लीजिए, देखिए रख दिया है। इसके ऊपर और एक पॉलीथीन पेपर को ऑयल लगा कर ग्रीस कर लिया है। अब हम रख कर प्रेस करेंगे, लाइटली प्रेस करिए, बहुत पतला मत करना है, थोड़ा मोटा रहा है तो भी चलता है दोस्तों। देखिए इस तरह से पेपर निकाल दीजिए, रेडी हो गया है। देखिए स्लाइटली दबाइए दोस्तों, बहुत ज़ोरों से नहीं। देखिए और एक मैं दिखाती हूँ आपको, इस तरह से हाथ से भी आप छोटा गोला बना सकते हैं। बनाकर थोड़ा सा ऑयल लगाइए, ऑयल लगाकर ऊपर पॉलीथीन पेपर रखकर स्लाइटली आपको दबाना है। ज़्यादा पतले हो गए तो क्रैक्स पड़ जाते हैं सूखने के बाद, इसलिए थोड़ा मोटा रखिए, बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं। देखिए दोस्तों रेडी हो गए हैं ये, अब निकाल लीजिए। देखिए अब पॉलीथीन पेपर के ऊपर निकाल लीजिए, या फिर राइस बैग रहते हैं ना उस पर निकाल लीजिए। देखिए दोस्तों निकाल लिया है मैंने। अगर आपके पास रोटी मेकर नहीं है तो आप एक प्लेट के ऊपर भी ये बना सकते हैं, जैसे मैं वीडियो में मैं दिखा रही हूँ। सेम उसी तरह से नीचे एक पॉलीथीन पेपर रख के, देखिए थोड़ा दबाने से इतना हो गया, लेकिन ये थोड़ा ज़्यादा दबाना पड़ता है, रोटी मेकर में इजीली हो जाता है दोस्तों। आप चाहे तो बेलन से भी बेल सकते हैं। देखिए इसी तरह से मैंने सारे पापड़ बना लिए हैं। देखिए दोस्तों तकरीबन आधा किलो में ही मेरे 40 से 50 पापड़ बन गए हैं। ऊपर कुछ भी धूल नहीं पड़ना चाहिए, इसलिए मैंने ये कपड़ा ढककर रखा था। देखिए 2 दिन सूखने के बाद ऐसे हो गए थे ये। देखिए दोस्तों कितने अच्छे से आए हैं, अब हम निकाल लेंगे इनको। मैंने 4 दिन सुखाया है दोस्तों, बहुत कड़ी कड़ी धूप रहना चाहिए। मैं एक तल कर आपको दिखाती हूँ, देखिए कितने अच्छे डबल फूल कर आ रहे हैं। आप इसे 1 साल भर के लिए रख स्टोर कर सकते हैं, और खाने में बहुत स्वादिष्ट लगते हैं दोस्तों, बहुत अच्छे लगते हैं। देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं। नमक आप थोड़ा देख कर ही डालिए, नमक ज़्यादा हो गए तो अच्छे नहीं लगते। कभी भी पापड़ वगैरह बनाते समय नमक का ख्याल ज़रूर रखना चाहिए। देखिए दोस्तों कितने बड़े बड़े हो रहे हैं, बहुत अच्छे लगते हैं दोस्तों। साल भर रख कर खाने के लिए, एक बार हम गर्मियों के मौसम में बना लेंगे तो साल भर हम खा सकते हैं। देखिए कितना बढ़िया हमारे पापड़ बनकर रेडी हो गए हैं फूल कर, क्रिस्पी करारे पापड़ हमारे रेडी हैं। बनाइए दोस्तों, खाइए दोस्तों, और हमारे चैनल को देखते रहिए दोस्तों। फिर मिलेंगे और एक नई वीडियो के साथ, तब तक दीजिए अनुमति, धन्यवाद।